तो लगभग YouTube हैंडल जो है रौनक हो गया है और सभी को मिलना शुरू हो गया है, ज्यादातर सभी को मिल गया है। अगर आपको नहीं मिला है तो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी एक बंदे के साथ क्या हुआ, तो उसका जो चैनल का नाम था, उसका हैंडल का चैनल नेम किसी और ने चुरा लिया, वो है टैग चैंपियन सपोर्ट। इन्होंने देखा कि टैग चैंपियन सपोर्ट ऑफिशियल इन्होंने हैंडल लिया, तो इन्होंने क्या किया था कि जो यूट्यूब का कस्टम URL होता है वो इन्होंने टैग चैंपियन सपोर्ट ऑफिशियल रखा उसका नाम। और इसके साथ क्या हुआ कि जैसे ही वो हैंडल किसी ने क्रिएट किया तो वहां पर टैग चैंपियन सपोर्ट वाला दूसरे ने चुरा लिया। यानी आप किसी के भी नाम को चुरा सकते हो, लेकिन अगर कस्टम URL है आपके चैनल का पहले से ऑलरेडी, तब उस URL को कोई नहीं चुरा पाएगा। यानी YouTube क्या करेगा, उसको रिजर्व कर देगा, अगर जो आपका कस्टम URL है उसको रिजर्व कर देगा। और अगर आपका जो पर्टिकुलर नेम है, जैसा URL होता है फुल वाला URL जो YouTube की तरफ से आता है, तब अगर आपके चैनल का नाम कोई दूसरा अपने हैंडल में डालता है तो उसको वो मिल जाएगा। अगर पहले से आपका कस्टम URL है तब वो कोई नहीं ले पाएगा उसको। तो इन्होंने क्या किया, टैग चैंपियन सपोर्ट नहीं डाल रखा था, इन्होंने टैग चैंपियन सपोर्ट ऑफिशियल डाल रखा था, तो दूसरे ने क्या किया अपने हैंडल में जाके और उसको टैग चैंपियन सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से उसको टैग चैंपियन सपोर्ट का जो है हैंडल मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपना कस्टम URL हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि उस कस्टम URL को कोई नहीं ले सकता है दोबारा से। तो अगर जैसे हैंडल कोई क्रिएट करेगा तो वो वाला URL आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से YouTube ने क्या किया है कि जो हैंडल शुरू किया है उससे पहले जितने भी कस्टम URL थे उनको सबको रिजर्व कर दिया, यानी वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या है, ये है यूनिक नेम, यानी आपके कस्टम URL है ऑलरेडी तो वो आपका यूनिक नेम हो गया, वही आपका हैंडल होगा इन फ्यूचर। अगर आप दूसरा कोई कस्टम URL नहीं देते हैं या फिर आप दूसरा हैंडल नहीं सेलेक्ट करते हैं तब, तो इस तरीके से आपके कस्टम URL वाले हैंडल को कोई नहीं चुरा पाएगा, वही आपका हैंडल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपना कस्टम URL रख सकते हैं या फिर आप अपना हैंडल जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा भी आपका वही नाम रख सकता है। तो इस तरीके से कस्टम URL वाले तो नहीं जाएंगे कहीं पे भी, उनका तो सेम वही रहेगा, लेकिन जिनका कस्टम URL जिन्होंने नहीं दे रखा है और उनका जो चैनल का नाम है, तो उस चैनल के नाम से दूसरा भी अपना हैंडल जो है क्रिएट कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जल्दी से अपना हैंडल क्रिएट कर लेना है या फिर आपको कस्टम URL जल्दी से दे देना है, जिससे आपका चैनल का नाम वहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके चैनल के नेम को कोई भी अपने हैंडल में नहीं रख पाएगा। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, देखा किस तरीके से उनका हैंडल जो है चुरा लिया गया। तो ऐसा होता रहता है कभी कभी, और बहुत सारे जो नेम है वो एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते नेम होते हैं। तो इस तरीके से टैग चैंपियन सपोर्ट ऑफिशियल इस तरीके से होते रहते हैं, जैसे टेक्निकल ट्रैक ऑफिशियल। तो इस तरीके बहुत सारे चैनल नेम होते हैं यूट्यूब पर, तो हो सकता है कि आपका इधर उधर हो जाए। तो आपको अपना जो है URL फिक्स कर लेना है, हैंडल फिक्स कर लेना है या फिर कस्टम URL आपको क्रिएट कर लेना है। तो इस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। फ्रेंड्स फिलहाल आज के वीडियो में नहीं, ये था कस्टम URL और हैंडल से रिलेटेड एक न्यूज जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लेना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।